हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट हरप्रीत सिंह। और दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया, लगभग एक महीना हो गया मेरा ये वीडियो काफ़ी लेट मैंने अपलोड किया कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। और इस देरी के दौरान बहुत सारी चेंजेस हुई, उनमें से सबसे बड़ी चेंज जो हुई वो है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का जो यूट्यूब चैनल है वो डिलीट कर दिया गया। इसके अलावा उनके फेसबुक पेजेस जितने भी हैं वो डिलीट कर दिए। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसका सबको पता है क्यों हो रहा है, लेकिन डॉक्टर विश्वरूप चौधरी के दो तीन यूट्यूब चैनल जो और भी चल रहे हैं सेम नाम से, आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हो जाके, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर चौधरी का एक व्यूअर हूं और उनका सब्सक्राइबर भी हूं। उनके बताए गए सच को छुपाने के लिए ये सारा जो कारोबार है वो चल रहा है। लेकिन हमने डॉक्टर विश्वरूप की ये जो मार्च टूवर्ड्स फेक मेडिकल प्रोपेगेंडाज हैं उनके अगेंस्ट चल रही मार्च को हमने रुकने नहीं देना और इसको आगे भी बढ़ा के रखना है हमने। उनके साथ साथ अब जो हमारे आचार्य मनीष जी हैं, जो हमारे इंडियन फेमस आयुर्वेदाचार्य हैं, उन्होंने भी कमर कस ली है और वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी वीडियोज़ यूट्यूब पर डालते चले जा रहे हैं और सबकी आंखें खोल भी रहे हैं। अब लॉकडाउन की सिचुएशन देखें तो ये कभी खुल रहा है तो कभी बंद हो रहा है, लेकिन मैं ये चीज़ आपको ये बता दूं, सब लोग यही बता रहे हैं, जो भी WHO के इस प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन खोल दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो कम नहीं होने वाले, चाहे आप लॉकडाउन को कंटिन्यू रखें या ना रखें, क्योंकि एक कॉमन फ्लू वायरस को रोकना बहुत मुश्किल है, और स्पेशली जब वो वायरस एक RNA वायरस हो तो उसके अगेंस्ट हम कोई वैक्सीन भी नहीं बना सकते। माय डियर फ्रेंड्स, अगर उसकी कोई वैक्सीन बनती भी है तो वो किसी काम की नहीं होगी। जितने भी लोग WHO या वैक्सीन के अगेंस्ट या कोरोना वायरस के अगेंस्ट बोल रहे थे यूट्यूब पे या और कई प्लेटफॉर्म्स पे, उन सब का यही कहना था कि ये लॉकडाउन जो है वो नाजायज़ है, इतना ज़्यादा जो डर फैला के रखा है वो नाजायज़ है, इसको ख़त्म करना चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे ICMR की भी आंखें खुल रही हैं। उन्होंने बीते दिनों WHO को ये कहा है कि वो अपनी एडवाइजरी को वापस ले लें, वो एडवाइजरी जिसमें उन्होंने कहा है कि हाइड्रोक्लोरोक्विन के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं और वो कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। उनका ये कहना है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं वो हाइड्रोक्लोरोक्विन के बिना भी बहुत अच्छे से ठीक हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं। तो ये अब धीरे धीरे आंखें खुलना शुरू हो गई हैं। और जो हमारे इंडियन डॉक्टर्स हैं वो चाहे कुछ भी बोलते रहें, लेकिन मैं जो आज मेरा वीडियो का मेन टॉपिक है, जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने आया हूँ कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन कैनेडा, व्हाट कैनेडियन डॉक्टर्स आर डूइंग राइट नाउ अगेंस्ट कोरोना वायरस, ये एक रियल इन्फॉर्मेशन है जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे प्रोवाइड करी है कि कैनेडियन डॉक्टर्स कोरोना वायरस पेशेंट्स को क्या रेकमेंड कर रहे हैं। सबसे पहली बात वो ये कह रहे हैं कि अगर आप कोरोना वायरस पॉजिटिव हो तो आपने घर से नहीं निकलना, इवन आपने हॉस्पिटल में भी नहीं आना, अनटिल और अनलेस आपको किसी हाई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, मतलब आपको सांस नहीं आ रही, तो उस कंडीशन में आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जब तक ऐसी नौबत ना आए आपने हॉस्पिटल भी नहीं आना। रेकमेंड ये कर रहे हैं डाइट में कि आपने खाना नहीं खाना, खाने का मतलब यहाँ पे ये है कि अनाज नहीं खाना, और खाना क्या है वो है फ्रूट्स सैलेड्स, आप जितना खा सकते हो वो खाओ, लेकिन खाना नहीं खाना। इसके अलावा जितनी भी नॉन वेजिटेरियन डाइट है आपने उसको अवॉइड करना है, आपने नहीं खाना। और सबसे बड़ी चीज़ वो ये कह रहे हैं पेशेंट्स को कि आपने गर्म पानी दिन में 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आप पी सको पी सकते हो। और वहाँ पे आप हैरान होंगे कि वो क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे इंडिया का ही वो खजाना है जो हम लोग भूलते जा रहे हैं, वो लोग अभी भी उसकी इम्पोर्टेंस को जानते हैं और उसको अपना रहे हैं। आप हैरान होंगे कि काढ़े में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं।
काढ़े में सबसे पहले उन्होंने कहा है आप जिंजर डालिए, उसके साथ दालचीनी यानी कि सिनेमन आप डालिए, उसमें आप चाय की पत्ती डाल सकते हो और थोड़ा सा ब्लैक पेपर इफ़ अवेलेबल, अगर आपके पास है तो वो डाल के आप वो काढ़ा दिन में 2-3-4 बार पीजिए, जिससे आपकी बॉडी में वार्मनेस आएगी और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, क्योंकि दालचीनी एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट, एक बहुत ही अच्छा कॉन्डिमेंट माना गया है जिससे इम्यूनिटी काफ़ी बूस्ट होती है। विटामिन सी विद फ्रूट्स, नॉट आर्टिफिशियल विद एनी सप्लीमेंट, उन्होंने रेकमेंड किया है कि आपने विटामिन सी वाले फ्रूट्स को बेसिकली मिक्स्ड, जो आपको 3-4 तरह के सीजनल फ्रूट्स मिलते हैं वो खाने के लिए वहाँ पे बोला गया है। तो ये है कंडीशन कनाडा की। इंडिया में भी अब लोग आयुर्वेद की तरफ मूव कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कोरोना वायरस का डर काफ़ी कम होता जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट्स ये नहीं चाहती, बार बार लॉकडाउन के ज़रिए वो डराने की कोशिश करती हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा प्रेशर में क्यों काम कर रही है WHO के, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। और आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।